नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रोक के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों और इस मामले में लापरवाही बरतने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत हवा में जहर घोलने के लिए दोषी पाई जा रही गतिविधियों पर रोक लगाने का काम तेजी से चल रहा है। बुधवार को इस सिलसिले में प्रशासन ने 253 कंस्ट्रक्शन साइट्स को चालान जारी किए और 32,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 6,868 कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण करने के बाद ये कार्रवाई की गई। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत निगरानी के लिए 586 टीमें बनाई गई हैं। इनमें 33 टीमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण परिषद की हैं। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन 6 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसे 6 नवंबर तक जारी रखा जाएगा। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक जिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा उन पर 10,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को एक गुड न्यूज शेयर करते हुए बताया कि दो भारतीय समुद्र तटों ने दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों की सूची में जगह बना ली है। यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यह गर्व का क्षण है कि दो और भारतीय समुद्र तटों को ब्लू बीच की सूची में जगह मिली है। मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों लक्षद्वीप में है। ब्लू बीच एक इको लेबल है जो दुनिया में स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है। लक्षद्वीप में दो नए समुद्र तटों मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग दिया गया है, जिसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई। थुंडी बीच लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबसे पुराना और सुंदर समुद्री तटों में से एक है। यहाँ सफेद रेत लेगून के फिरोजी नीले पानी से घिरा हुआ है। ये तैराकों और पर्यटकों के बीच मानो स्वर्ग है। वहीं कदमत बीच विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है जो वाटर गेम्स के लिए द्वीप पर आते हैं। दोनों समुद्र तटों में समुद्र तट की सफाई और रखरखाव और तैराकों की सुरक्षा के लिए स्टाफ है। दोनों समुद्र तट पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा अनिवार्य सभी 33 मानदंडों का अनुपालन करते हैं। भारतीय सेना के लिए आज का दिन काफी खास है। दरअसल आज ही सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रदान किए। देश में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की स्थापना के 250 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा सेना की इस टुकड़ी के लिए ये मौका काफी अहम है। इस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल कल राष्ट्रपति भवन परिसर में की गई। 1.5 घंटे तक चलने वाले समारोह में पीबीजी ने राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को स्वीकार किया। समारोह के दौरान पहली बार पूर्व सैनिकों ने परेड की और प्रदर्शन के लिए घोड़ों पर एलईडी लाइट्स का प्रदर्शन किया गया। इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 साल पूरे हुए हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव प्राप्त है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। क्योंकि भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की ये अपनी सैन्य टुकड़ी है जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात है। ये कार्यक्रम 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपे। इसके बाद प्रेजेंटेशन परेड हुई और फिर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति हुई जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के बारे में बताया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे खास आकर्षण एलईडी की रोशनी पर अंगरक्षक दल के घोड़ों के कौशल की नुमाइश है जिसके लिए उन्हें खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है।
दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन कई हजार किलोमीटर दूर मेघालय और बांग्लादेश में जो साइक्लोन बना उसने भी दिल्ली की हवा को साफ करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, साइक्लोन अपने साथ तबाही तो लेकर आया लेकिन साथ ही कुछ अच्छा भी। प्रदूषण के लिहाज से दिवाली सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त होता है। इस समय एक साथ कई सारे प्रदूषण के कारक दिल्ली की हवा में जहर घोलते हैं। इस बार भी दिल्ली वालों ने पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी की। शाम से लेकर रात तक पटाखे चले और प्रदूषण का स्तर कहीं ऊंचा पहुंच गया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिवाली की अगली सुबह और फिर दोपहर होते होते दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ हो गया। जानकारों और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये कई सारे मौसमी फैक्टर्स के साथ आने से संभव हो पाया। यहाँ तक कि कई हजार किलोमीटर दूर मेघालय और बांग्लादेश में जो साइक्लोन बना उसने भी दिल्ली की हवा को साफ करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ठीक दिवाली के वक्त बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और बांग्लादेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उसी चक्रवात ने दिल्ली को प्रदूषण से राहत देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर एक चक्रवातीय सिस्टम उसी एल्टीट्यूड पर विकसित होता है जहां पर प्रदूषण के कारक मौजूद हो तो वे एक अलग तरह का सिस्टम पैदा करता है। जैसे मेघालय की राजधानी शिलोंग और दिल्ली लगभग एक ही एल्टीट्यूड पर स्थित है। अर्बन सेक्टर में अच्छी जगहों पर जमीन स्क्वायर फीट में बेची जाती है और लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कोचीन में केएल जोसेफ नामक एक नागरिक ने कोचीन निगम को मुफ्त में अपनी 20 सेंट जमीन दे दी ताकि लोगों की भलाई हो सके। जोसेफ पूर्व केएसईबी इंजीनियर है। उन्होंने थेवरा में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित करने और कोंथुरुथु में सड़क को चौड़ा करने के लिए अपनी 20 सेंट जमीन दान में दे दी। जोसेफ का कहना है कि हाई कोर्ट में पिछले 22 सालों से जमीन को लेकर एक मामला चल रहा था क्योंकि निगम ने साल 2000 में इसे पुरमबोक भूमि समझकर 7 सेंट जमीन पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट का निर्माण किया। शुरू में उन्होंने निगम के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी लेकिन फिर उन्होंने मामले को वापस लेने का फैसला किया और निगम को जमीन सौंप दी। जोसेफ की सिर्फ एक ही शर्त थी कि भूमि का उपयोग स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। 76 वर्षीय जोसेफ की मां ने अपनी वसीयत में उनके नाम 50 सेंट जमीन छोड़ी थी। उसमें से कुछ जमीन उन्होंने सालों पहले 12 भूमिहीन किराएदारों को रहने के लिए दे दी थी। अब उन्होंने बची हुई जमीन को भी अच्छे कार्य के लिए प्रशासन को दिया है। उनका कहना है कि अगर मेरी मां जीवित होती तो वो यही चाहती कि जोसेफ बेहतर काम के लिए अपनी जमीन दे। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के एक प्राथमिक स्कूल में बतौर शिक्षक काम करने वाले श्यामल जाना पिछले काफी समय से पर्यावरण संरक्षण में जुटे हुए हैं। वो अपनी बाइक पर एक बैग में ढेर सारे बरगद के पौधे लेकर राज्य में दक्षिणी जिलों में ठगबो नाको बोधो घोरे गच लगाबो बिसो जुरे का नारा लगाते हैं, जिसका मतलब है कि मैं घर में बैठने की बजाय पेड़ पौधे लगाऊंगा। जाना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरे राज्य में 5000 बरगद के पेड़ लगाना है। वो पहले ही राज्य की राजधानी कोलकाता और उत्तर बंगाल के डुआर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में 600 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। बचपन से ही उन्हें अपने जीवन में पेड़ों की आवश्यकता के बारे में सिखाया गया और आज वो सीख पर अमल कर रहे हैं। अब सवाल है कि जाना सिर्फ बरगद का पेड़ ही क्यों लगाते हैं। इसका कारण वो ये बताते हैं कि बरगद को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। लोग इससे जलाऊ लकड़ी नहीं इकट्ठी करते। ये अपने विशाल आकार के कारण कई घोंसलों को आश्रय देता है और ग्रामीण बंगाल में एक बरगद का पेड़ भीषण गर्मी में छाया देता है। पिछले कुछ महीनों में जाना ने राज्य में 595 बरगद के पेड़ लगाए हैं। गुड न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही।
फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंदी।